इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, कांग्रेस ने स्पीकर के लिए उम्मीदवार जो है वो उतार दिया कि ओम बिरला के खिलाफ के सुरेश को उतारा गया कि इतिहास में पहली बार स्पीकर के लिए चुनाव होने हैं। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का आज दूसरा दिन है। आपको बता दें लोकसभा अध्यक्ष के लिए नामांकन का आखिरी दिन है, कल होगा लोकसभा स्पीकर के लिए चुनाव। आपको बता दें सुबह से सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आ रही थी कि एनडीए और इंडिया ब्लॉक दोनों के बीच में सहमति बन गई है, लेकिन अभी सहमति जो है बनती हुई नजर नहीं आई क्योंकि कांग्रेस ने स्पीकर के लिए अपनी तरफ से उम्मीदवार उतार दिया है। सुबह से ये खबर सामने आ रही थी कि यहां पर जो पार्टियां हैं वो अपनी तरफ से उम्मीदवार नहीं उतारेंगे और एनडीए के ही कोई स्पीकर होंगे और ओम बिरला के नाम पर लगातार चर्चा हो रही थी, लेकिन अब ओम बिरला के खिलाफ के सुरेश को विपक्ष ने उतार दिया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, कांग्रेस ने स्पीकर के लिए उम्मीदवार जो है वो उतार दिया कि ओम बिरला के खिलाफ के सुरेश को उतारा गया कि इतिहास में पहली बार स्पीकर के लिए चुनाव होने हैं। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का आज दूसरा दिन है। आपको बता दें लोकसभा अध्यक्ष के लिए नामांकन का आखिरी दिन है, कल होगा लोकसभा स्पीकर के लिए चुनाव। आपको बता दें सुबह से सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आ रही थी कि एनडीए और इंडिया ब्लॉक दोनों के बीच में सहमति बन गई है, लेकिन अभी सहमति जो है बनती हुई नजर नहीं आई क्योंकि कांग्रेस ने स्पीकर के लिए अपनी तरफ से उम्मीदवार उतार दिया है। सुबह से ये खबर सामने आ रही थी कि यहां पर जो पार्टियां हैं वो अपनी तरफ से उम्मीदवार नहीं उतारेंगे और एनडीए के ही कोई स्पीकर होंगे और ओम बिरला के नाम पर लगातार चर्चा हो रही थी, लेकिन अब ओम बिरला के खिलाफ के सुरेश को विपक्ष ने उतार दिया है।